2023 को हमारी एक सुनवाई हुई बॉम्बे हाई कोर्ट की बॉम्बे बेंच पे, प्रिंसिपल बेंच पर, और उसमें वकीलों की तरफ से बहस हुई हमारे वकीलों की तरफ से कि ये जो प्रक्रिया जो हुई और जिसके तहत नाम चेंज किया गया, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई हैं। इन्होंने सारे प्रोसीजर को बाईपास करके ये काम किया है, और अदालत के सामने ये बात लाई गई कि इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन सजेशंस भी नहीं मांगे, और आज बिल्कुल बेफिक्र होके ये उस नाम को, अभी हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन भी नहीं मिली है, अप्रूवल नहीं मिला है, उसके बावजूद ये लोग इसको यूज कर रहे हैं। उस पर अदालत ने सरकारी वकील से ये सवाल पूछा कि आपने ऑब्जेक्शन सजेशंस मंगाए या नहीं, इसकी हमें जानकारी दें। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास ये जानकारी नहीं, हम आपको अगली तारीख को बताएंगे अपने पक्षकार से पता करके, सरकार से पता करके। और दूसरा जो है उसमें दूसरा मुद्दा ये भी आया कि जो प्रोसेस था जिसको ये बता रहे हैं, वो प्रोसेस पूरा जो है वो गलत तरीके से इन्होंने पेश किया है। तो अदालत ने ये भी सवाल पूछा कि किन नियमों के तहत आपने ये कार्रवाई की, इस सब की जानकारी आप हमको 15 फरवरी को, अगली तारीख है उसमें देंगे। तो ये उम्मीद है कि केस अभी शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह ये इसमें हमको इंसाफ मिलेगा अदालत से, क्योंकि हमारी लड़ाई ये कोई किसी समाज या धर्म से रिलेटेड नहीं है, जैसे दूसरे कई आप देखते हैं कि राजनीतिक और उसमें पार्टियां करती हैं। हम इस शहर के रहवासी हैं, हमारी लड़ाई अपनी शहर और अपनी शहर की पहचान को बचाने के लिए है। इसमें हमारे साथ मुस्लिम, हिंदू और बुद्धिस्ट सभी भाई खड़े हैं। इसमें मेरे साथ भी हमारे औरंगाबाद शहर के एक रहवासी संजय वाघमारे जी हैं, हमारे एक मित्र मुश्ताक साहब ने भी एक पिटीशन दाखिल की है, उनके साथ भी मोरे जी और एक शायद खंदारे जी, शायद मैंने नाम पढ़ा है, वो हैं। तो इसमें कहीं कोई धर्म और जाति से रिलेटेड ये मुद्दा नहीं है। जहां तक हमारे नजरिए की बात है, तो अगर ये औरंगाबाद की बजाय अगर ये काशी, मथुरा, अयोध्या या किसी और रामपुर से रिलेटेड भी मुद्दा आता, अगर हम वहां के रहवासी होते तो वहां के लिए भी हम खड़े हुए होते। ये जो एक बीजेपी, आरएसएस और एक ये जो सोच चली है ये लोगों की कि भाई भारत सरकार है, तो इस सरजमीन पे कभी भी ये राजाओं के अलावा किसी का यहां पे राज्य नहीं रहा। उससे पहले लगभग तुगलक और यादवस का जिक्र आता है, वो 13th और 11th सेंचुरी में, लेकिन ये सरजमीन जो थी ये बैरन लैंड थी, यहां कुछ भी नहीं था। तो ये जो सारा एक झूठ गढ़ा गया शिवसेना के सुप्रीम लीडर द्वारा 1988 में कि महाराज को यहां लाके कैद किया गया और ये सब किया गया, तो उस चीज की भी हमने तस्दीक की वहां पश्चिम महाराष्ट्र जाके हिस्टोरियन से, तो पता ये चला कि महाराज को जो है, संभाजी महाराज को, वो आपके पूना डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है, मेरे ख्याल से तुड़ापुर नाम है उस जगह का, जो आलंदी के पास है, वहां उनको जो है सजाए मौत दी गई थी। लेकिन उसमें जो है जो लोग मुलाफिज थे, मैं वो हिस्ट्री के पार्ट में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जो बताया गया है वो सारी हिस्ट्री वैसी नहीं है। और उसके बाद उनकी जो समाधि है वो आपके, जो आप पुना जाते वक्त आपको भीमा कोरेगांव लगता है जी, उसके राइट साइड में वड़ू बुद्रुक एक नाम से जगह है, वो वड़ू बुद्रुक में महाराज की बड़ी समाधि बनी हुई है, हम लोग वहां भी जाके अभिवादन करके आए हुए हैं। तो वहां पे है, औरंगाबाद से ये लोगों ने जो हिस्ट्री जोड़ी है वो बिल्कुल ही गलत है, और आपके माध्यम से भी लोगों तक ये बात जानी चाहिए कि ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, और इसके बारे में चाहें तो हम एक डिटेल बाद में वीडियो कर सकते हैं। ये सिर्फ लोगों को मूल मुद्दों से भटकाकर लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर सत्ता में बनी रहना चाहती हैं। आप देख सकते हैं कि जब से 30-35 साल से ये मुद्दा राजनीतिक हलकों के द्वारा जनता में लाया गया है, उसके बाद औरंगाबाद का विकास जो है वो एक तरीके से रुक गया है। फास्टेस्ट डेवलपमेंट सिटी जो जाना जाता था एशिया के अंदर, औरंगाबाद, ये मुद्दा आने के बाद कहीं ना कहीं वो विकास रुक गया और लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है पॉलिटिकल लोगों का। ये हमारा स्पष्ट आरोप है और हम इसके खिलाफ खड़े हैं, अपने शहर के लोगों के साथ खड़े हैं। उसमें हर धर्म के, हर समाज के लोग जो हैं वो हमारे भाई हैं, हम सबके साथ मिलकर इस शहर को फिर से विकास की राह पे आगे ले जाना चाहते हैं। जिस वक्त वो मीटिंग हुई, उस वक्त मेरी तरफ से एक नुमाइंदे उस मीटिंग में शामिल हुए थे,
मैं उस वक्त ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि जिस वक्त वो मीटिंग औरंगाबाद में चल रही थी उस वक्त मैं संभाजी महाराज की समाधि पर उनको अभिवादन दे रहा था, वहां पेश अभिवादन पेश कर रहा था, क्योंकि हमारा, मैंने जैसे कहा कि ये झगड़ा कोई रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, कुछ लोगों ने ये मुद्दा पेश करने की कोशिश की थी और ये जितने भी लोगों ने, चाहे वो शिवसेना के और इनके लीडर्स हैं, इन्होंने क्रांति चौक पे बड़े बड़े झंडे लहराकर ये नाचे, मैं इनसे भी सवाल करना चाहूंगा कि आप आखिरी बार संभाजी महाराज की समाधि पर कब गए थे अभिवादन देने के लिए? यहां आपको क्रांति चौक के पास में नाचने में बड़ा मजा आया, लेकिन वहां पे जाके आपने एक छोटा सा फूल भी संभाजी महाराज की समाधि पे नहीं रखा। मैं वहां जाके आया हूं, मैंने वहां से तफ्तीश भी की कि कोई आया क्या, तो बोला सर साल भर में तो आपके पास से कोई भी नहीं आया यहां पे। तो ये सवाल रहेगा ठाकरे परिवार से, फडणवीस जी से, शिंदे सरकार से, यहां के बड़े बड़े जिम्मेदार और मंत्री और अहदेदारों से कि आप लोग आखिरी बार संभाजी महाराज की समाधि पे कब गए थे। और जहां तक केस करने की बात है तो ये केस मैंने बजाते खुद अपनी तरफ से किया है। इसमें मेरे साथ जो है लड़ाई में खड़े होने के लिए एक सपोर्ट के तौर पे संजय वाघमारे जी मेरे साथ इसमें शामिल हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और बाकी इसमें जो भी अखराजात खर्च ये सब हो रहे हैं, मैंने अपने तौर पे शाही मस्जिद में भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने कह दिया था कि ये सारा खर्च मैं अपनी तरफ से करूंगा। और ये लड़ाई जो है ये हम चाहेंगे कि ये शहरवासियों की हो और ये शहर के अंदर अमन बना रहे, हिंदू मुस्लिम सौहार्द बना रहे और ये शहर को फिर से विकास की तरफ ले जा सके। अगर वो अपने आप को नेता मानते हैं इस शहर का, जो भी कोई हो, तो उन्होंने इस लड़ाई में खुल के शामिल होना चाहिए, क्योंकि किसी नेता या अधिकारी या कुछ भी बनने से पहले आप एक शहर के बाशिंदे होते हैं, किसी शहर के बेटे होते हैं। वो मुझे लगता है कि हर एक का ये फर्ज बनता है कि वो इस लड़ाई में शामिल रहे। मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि चाहे वो औरंगाबाद हो, चाहे आपके अयोध्या हो, वृंदावन हो, मथुरा हो, जहां का भी बाशिंदा हो, वो उस शहर से, अपनी सरजमीन से प्यार करता है। इतिहास में क्या हुआ था, अगर उस पर कोई भी आपको गलत हिस्ट्री पढ़ाएगा और उसमें आप लग जाएंगे, तो आज की जो नस्ल जिंदा है और आने वाली जो नस्लें हैं वो उनके साथ नाइंसाफी होगी। इसीलिए ये सारी बातों को इतिहास को इतिहास के तौर पे देखना चाहिए, उसके अंदर कोई रिलीजियस एंगल देख के माजी की बातों से फ्यूचर में या प्रेजेंट में झगड़े नहीं लाने चाहिए। एक सुनवाई हुई, इसके बाद आपको क्या लगता है, कोर्ट से क्या उम्मीद है आपको पहली सुनवाई होने के बाद? जिस तरीके से कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा और उनको सारे अपने फैक्ट्स रखने के लिए कहा कि कैसे उन्होंने क्या क्या किया, ऑब्जेक्शन मंगाए, और जहां तक हमारी जानकारी है इन्होंने ऐसा कोई प्रोसेस नहीं किया है, ना इन्होंने कोई सजेशन ऑब्जेक्शन मंगाए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें होने वाली है सारी बहसें। उसके बाद दूसरा, बोर्ड ऑफ प्रिंसिपल्स ये कहता है कि जो लोग आदि हो चुके हैं जो नाम के, वो नाम नहीं बदला जाना चाहिए अनलेस कोई स्पेशल रीजन हो। तो उसका भी जो जवाब जो है वो कहते हैं कि एक्स एमपी की डिमांड पे हमने किया है। जहां तक हम जानते हैं कि सिटिंग एमपी जब विरोध में है तो आप एक्स एमपी की डिमांड को किस मुद्दे से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? एक पार्टी की डिमांड पे आपने शहरवासियों से कोई ऑब्जेक्शन नहीं मंगाए, कुछ नहीं मंगाए और उसको मान लिया। तीसरा, उसमें एक और मुद्दा यह आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की 1953 की ये गाइडलाइंस है सारी, और ये कहते हैं कि हमने उसी पे, गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस पे चल के ये काम किया है। उसमें यह है कि अगर किसी का नाम रखा जाना है किसी जगह का, तो ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उस नाम का उस राज्य के अंदर, स्टेट में, कोई गांव या कस्बा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने ये, उसमें ये अपना जवाब दिया है कि इस नाम का कोई शहर जिला इस महाराष्ट्र में नहीं है। हमने अपने याचिका में लगाया है कि चार इस नाम से तो 7-12 हमको मिली है अलग अलग जिले के अंदर, अहमदनगर में है, कोल्हापुर में है, सातारा में है, सिंधुदुर्ग में है, तो हमको ये 7-12 मिली, हमने वो 7-12 भी उसमें लगाई है अपनी याचिका के अंदर। जब चार ये नाम के गांव और पंचायत सर्कल्स मौजूद हैं, तो फिर ये जो अधिकारियों ने या नेताओं ने ये जो गाइडलाइंस जो उल्लंघन करके जो प्रस्ताव भेजा है, तो इन पे गुनाह दाखिल होना चाहिए। ये लोगों ने सरकार की और जो सब जो भी इन्हें प्रशासन की पूरी दिशा भूल की है, और दिशा भूल करके गलत काम इन्होंने किया हुआ है। बाकी भी जो प्रिंसिपल्स है उसका भी कहीं ना कहीं पूरा उल्लंघन किया हुआ है। उसमें डिटेल रीजन राज्य सरकार को देना होता है कि वो क्यों नाम बदल रही है। कोई पॉलिसी, इन्होंने सिर्फ पॉलिसी डिसीजन के नाम से इसको चेंज कर दिया, लेकिन कोई डिटेल रीजन ये नहीं दे पाए। तीसरी चीज, इसमें जो एनओसीज लेनी होती है
जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, रेलवे हो, आर्कियोलॉजी हो, डिफेंस हो और अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, तो वो सारा प्रोसेस 95 में इन्होंने कुछ फॉलो किया था, लेकिन 95 का जो है 2001 में विलासराव देशमुख सीएम बनने के बाद उन्होंने उसको कॉल बैक किया, तो वो तो प्रोसेस ही खत्म हो गया। 2011 में एक ठराव पास हुआ और 2020 में एक ठराव पास हुआ मार्च में, वो जो ठराव पास हुआ उसमें ये सारा प्रोसेस नहीं किया गया, किसी की एनओसीज नहीं ली गई, कोई ऑब्जेक्शन सजेशन नहीं मंगाए गए, और जो है तो लैंड रेवेन्यू का जो आपका एक कोड है सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 जो है 1966 का, ये उसका हवाला देते हैं, जबकि वो ये कहता है कि 1960 के पहले जो शहर बन गए वो उसके अंडर में ये ही नहीं जा सकते, ये इनके ही दस्तावेजों में सारी चीजें दर्ज है। तो ये और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे लगता किसी हम अभी कोर्ट गए तो ये सारी बातें सामने निकल के आई, अब जब बहस होगी तो इतनी बातें निकलेंगी कि मुझे नहीं लगता कि शायद जवाब देते बनेगा सरकार को इसमें।